आज स्टूडेंट्स लिए असं एक बहुत ही डिफरेंट और वधिया ऑप्शन लैके आए हाँ फिनलैंड स्टडी वीज़ा के बारे में। सो ज़्यादातर स्टूडेंट के सवाल हमेशा कैनेडा ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस लिए तो रहिंदे ही नहीं, पर फिनलैंड भी अपने आप दे विच बहुत वधिया ऑप्शन है जिथे तुसीं स्पाउस नाल भी अप्लाई कर सकते हो, अपने बच्चे नूं भी नाल लैके जा सकते हो। सो इसका अगला सवाल इस नूं लैके तुहाडा ही होएगा कि आखिर इसका राइट प्रोसैस की है, किन्ने टाइम च वीज़ा लग सकता है, फंड्स नूं लैके भी सवाल तुहाडे जरूर होणगे। सो इसलिए अज असीं फिनलैंड स्टडी वीज़ा लैके तुहानू ढेर सारियां गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करांगे, पूरा प्रोसैस तुहानू समझाउण दी कोशिश करांगे। स्वागत है जी सारिआं दा, मैं हाँ हरजोत कौर, और फिनलैंड स्टडी वीज़ा लैके तुहाडे नाल सारी इनफॉर्मेशन सांझी करनगे नैविगेटर्स ओवरसीज़ तो वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सो सारे स्टूडेंट्स जानते हैं मैम का तकरीबन 26-27 साल का एक्सपीरियंस है जिस मैम लगातार अपना रिसर्च वर्क करते रहते हैं, स्टूडेंट्स लिए एक तो एक चंगी ऑप्शन लभते रहते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है चंगी ऑप्शन का फायदा लै सकन और भेड़ चाल दे विच ना पैन, और जिन्हिया भी पूरी दुनिया के चंगी ऑप्शन ने स्टूडेंट्स लिए उसके लिए मैम हमेशा स्टूडेंट्स को गाइड भी करते रहते हैं। तो उस कड़ी के अज फिनलैंड स्टडी वीज़ा बारे मैम थानू गाइड करेंगे। मैम जरूर शुरुआत में मैं ये जानना चाहूँगी, खुद स्टूडेंट्स की भी क्यूरियोसिटी जरूर होएगी, फिनलैंड स्टडी वीज़ा किस तरीके नाल वेखिए इस कंट्री नू स्टूडेंट्स दे लई उन्होंने फ्यूचर दे लई। देखो हरजोत, मैं मैक्सिमम कंट्रीज़ दे विच स्टूडेंट वीज़ा का काम करती हाँ, बिकॉज कि कोई स्टूडेंट है उसकी कोई होर डेस्टिनेशन है, कोई जर्मनी जाना चाहता है, ठीक है, कोई नीदरलैंड जाना चाहता है, कोई स्विट्ज़रलैंड, असी मेरे ख्याल हर टाइप हर समय इन वास्ते आप वीडियो बनाई हैं। फिनलैंड बहुत डिमांड च रहा, इस करके स्पेशली आप शो अज कर रहे हैं। फिनलैंड के फायदे की है पहले मैं ये दस दिनी हाँ, कंट्री जो वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री जोड़ा है फिनलैंड है, लाइफ स्टाइल वास्ते बहुत ज़्यादा फेमस है एंड हैप्पीएस्ट कंट्री। हैप्पीएस्ट कंट्री केड़े होंगे, जिथे ब जो कैंडीडेट न या जो भी रह रहे हैं उन्होंने प्रेसर नहीं होंगे, काम करन दा भी सैटिस्फैक्शन है, पैसा भी ठीक मिल रहा है, ता ही लोग खुश रह सकनगे। इहदे विच प्लस पॉइंट की है जाण दा कि स्पाउस दे नाल जा सकते हैं, बच्चे दे नाल जा सकते हैं, क्योंकि यूरोप दे विच एक डेनमार्क है खाली वो जिहड़ा अलाउ करता है स्पाउस वीज़ा, उहदे अलावा फिनलैंड, फिनलैंड च वीज़ा ज यूनिवर्सिटी ने एक्सैप्ट कर लिया तो वीज़ा आलमोस्ट श्योर शॉट ही होंदा है। ये बहुत ईजी प्रोसैस है कि जे यूनिवर्सिटी ने एक्सैप्ट कर लिया, यूनिवर्सिटी थोड़ा टाइम ला सकती है ऑफर लेटर नो, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोर्सेज बहुत अच्छे, उत्थे पढ़न वाले बच्चे ही ज़्यादातर जाते हैं, कोर्सेज अच्छे है, एंड जेड़ा है तुसी इनटेक हुण शुरू हो चुके है सैप्टेंबर वास्ते अगले, लेकिन डेडलाइनस क्लोज, क्योंकि कैनेडा वास्ते भी सानू मैक्सीमम हुण सैप्टेंबर ही मिल रहा, मार्च तक सारा क्लोज हो जाना इन्हों का। वीज़ा प्रोसैस में आलमोस्ट 2 मंथ्स लग रहे हैं, तो दैट मीनस कि जो कैलकुलेट करिए टाइम तो बहुत सही टाइम पर आप चल रहे हैं। आइल्स स्कोर कुछ यूनिवर्सिटियाँ 6-6.5 मंगदियाँ, बट नॉट लैस दैन वाला कोई चक्कर नहीं होंगे, गैप का कोई चक्कर नहीं है, प्लस पॉइंट ये है कुछ यूनिवर्सिटियाँ आइल्स नहीं मंगदियाँ, तो दैट मीनस ये नहीं कि आइल्स नहीं मंगदियाँ तो कम्युनिकेशन स्किल नहीं, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, फिर ही वो तुहानू एक्सैप्ट करते हैं, क्योंकि तुसी जिथे जा रहे हो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होएगा, जे तुहानू इंग्लिश नहीं आती होएगी तो तुसी पढ़ाई दे विच जिहड़ा मैच नहीं कर सकते किसी नाल, फिर तुहानू अगे स्ट्रगल होएगा, तो विद आइल्स या विदाउट आइल्स जा सकते हो। फंडिंग जिहड़ी है वह स्टूडेंट के अकाउंट च होनी चाहिए, चाहे 1 डे ओल्ड होए, ठीक है ना, 7500 यूरोज जी है पर एनम का शो करना है लिविंग एक्सपेंसिस, जो 2 साल का कोर्स है मास्टर्स का तो खाली 2 साल का 7500 यूरो के हिसाब न असी शो करना है, बाकी जोड़ा है फीस पे करनी है यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी की फीस हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग फीस है कोर्स के हिसाब न, किसी की 8000 यूरो होएगी, किसी की 10000, किसी की 12000 प्रोग्राम के हिसाब न होएगी। बहुत अच्छा ऑप्शन है फिनलैंड तुहाडे कोल, क्योंकि जेडे अपन प्रॉब्लम आ रही है कि विद स्पाउस जाना चाहते हैं, मैक्सिमम जगह प्रॉब्लम आ रही है, ऑस्ट्रेलिया सब तो ज़्यादा स्पाउस जाता सी, बट बहुत ही चूजी है ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ, ते उहदे बाद न्यूजीलैंड, ते जे यूरोप च देखिए तो फिनलैंड इज़ द गुड ऑप्शन जिथे तुसी अपने बच्चे अपने
फैमिली नूं नाल लैके जा सकते हो। जी 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 बिल्कुल। सो यूरोप दे विच ढेर सारियां ऑप्शंस ने, अगे भी असी होर कई ऑप्शंस से गल कर दिया, पर आज खास तौर ते जिहड़ी फिनलैंड बारे गल कर। मैनूं लगदा पिछली बारी जद यूरोप दी आपां वीडियो बनाई सी ना, उस टाइम असीं 3-4 कंट्री जिहड़ी इकट्ठी करती सीगी, उहदे विच इक इक 2-2 मिंट भी हर कंट्री नूं आपां दे नहीं सके सीगे। ते स्टूडेंट्स दी क्यूरियोसिटी हुंदी है कि सानूं डिटेल च दस्या जाए, तो मेरे ख्याल हर पॉइंट मैं तुहाडा फिनलैंड दा अज कवर किया, आइल्स दा स्कोर भी, लिविंग एक्सपेंसिस भी, एडमिशन प्रोसैस भी, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपां सारा कवर किया। जो होर डिटेल च तुसीं इहदे बारे जानना चाहते हो, तुसी नंबर जिहड़े चल रहे उन्हां ते कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके तुसी आओ, क्योंकि मैं देखिया कि बहुत सारे लोग हुण इन्ने एजुकेटेड हो गए, वह पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करते, उस दे नाल की हुंदा मैनू अपने आप नू फ्री रखना पैंदा उस टाइम, असी उस टाइम दा तुहानू टाइम दिंदे आ, और उस हिसाब नाल तुसी आके फिर कंप्लीट इनफॉर्मेशन लै सकदे हो। बाकी मेरा हर बारी ये कहना कि पीड़ दे विच चलन दे बजाए तुसी अलग तो चलो, तुसी अपनी जगह आप बनाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इदा दे जिहड़े आप दी जगह आप बनाते हैं, वो हमेशा लाइफ च सक्सेसफुल भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही तुसी गल कही है मैम। सो स्टूडेंट्स जिहड़े फिनलैंड अप्लाई करना चाहन, तो जरूर तुसी समझ चुके हो स्पाउस नूं नाल लैके जा सकदे हो, अपने बच्चे नूं नाल लैके जा सकदे हो। होर भी तुहाडे कई सवाल अगर है तुहाडी प्रोफाइल नूं लैके या फिर फिनलैंड तुसी अप्लाई करना प्रोसीजर नूं लैके, तो तुसी जरूर जिहड़ा नंबर डिस्प्ले है इस उपर तो कॉल कर ही सकदे हो, नाल दी नाल नैविगेटर्स ओवरसीज़ दे ऑफिस भी विजिट कर सकदे हो। अपनी डॉक्यूमेंट जरूर लैके आयो ताकि असैसमेंट की जा सके, सही चीज़ा तुहानूं गाइड कीतियां जा सकन। मैम तुहाडा बहुत बहुत थैंक्स, अज तुसी फिनलैंड बारे डिटेल विच स्टूडेंट्स नूं एक एक पॉइंट जो है दसिया, और कई स्टूडेंट्स दे माइंड विच जरूर इंटरस्ट आ गया होएगा फिनलैंड नूं लैके। सो अगों भी असी तुहाडे सारयां लई होर इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहांगे। अज लई सानूं दिओ जी इजाजत, थैंक यू सो मच। थैंक यू।